नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस दिवाली यानी कि 24th को होने वाला है बवाल। बवाल किस लिए? क्योंकि एक बार फिर से एक तरफ शाहरुख खान होंगे, दूसरी तरफ होंगे सलमान खान। दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे, सोशल मीडिया पे दोनों के चर्चे होंगे और दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों ही अपने अगले प्रोजेक्ट के साथ सामने आ रहे हैं। वेट, कंफ्यूज ना हो जाइए, इसके पीछे क्या है सच्चाई मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, अभी इस वक्त कर लो, बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा, कर लो और इस वीडियो को कंटिन्यू देखो। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि 23rd को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। इस मैच का हम सबको बेसब्री से इंतजार है और हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से कौन जीतता है। क्योंकि अगर बात की जाए, एक खट्टा मीठा का एक डायलॉग है कि आप किस हिंदुस्तान की बात करें, उस हिंदुस्तान की जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है तब एकजुट होते हैं। तो भाई सही बात है, तब एकजुट होते हुए देखते हैं हम। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ आती है, वो आती है कि आखिरकार क्या ऐसा हो रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि मैच से पहले ही 23rd को सलमान साहब की फिल्म कभी ईद किसी का भाई किसी की जान, कभी ईद कभी दिवाली वाला तो पुराना हो गया, किसी का भाई किसी की जान यानी कि भाई जान का एक फुल फ्लेज ट्रेलर रिलीज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 23rd को, और ये कोई मोई की रिपोर्ट आई है जहाँ पर ये तो मैच से पहले रिलीज किया जाएगा और उसके बाद मैच के बीच में ही पठान का टीजर रिलीज कर दिया जाएगा। पठान वो फिल्म जो कि 2023 के जनवरी में आ रही है और इस फिल्म के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ऐसे में दोस्तों, अब यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये है, पठान वर्सेस किसी का भाई किसी की जान, मैं भाईजान नहीं बोलता हूँ, पठान वर्सेस भाईजान, ये दोनों के बीच में एक क्लैश होगा। अगर देखा जाए तो जहाँ एक तरफ ट्रेलर का क्लैश है वहीं दूसरी तरफ टीजर आएगा। दोनों में से कौन ज़्यादा व्यूज़ लेके जाता है सोशल मीडिया पे, किसका बवाल होता है, किसको अप्रिसिएशन मिलता है, किसको नहीं मिलता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आप किसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पठान के ट्रेलर के लिए, टीजर के लिए, या फिर भाईजान के ट्रेलर के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलता हूँ मैं, मुझे याद करें यानी कि कमेंट करके। बाय।